मैं नहीं देती, बताओ शुरू हो जाओ। कैसा लग रहा हूँ? अरे यार टाइम नहीं होता इतना व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं कहाँ? हनीमून ट्रिप पे? नहीं, अपनी पूरी ट्रिप के बारे में बताओ कहाँ जा रहे हैं। भैया आज हम स्टार्ट कर रहे हैं दिल्ली टू नकोदर, पहले नकोदर टू अमृतसर, अमृतसर टू वैष्णो देवी, और वैष्णो देवी टू कश्मीर। कश्मीर हमारा प्लान था कि हम लोग ना दुबई जाएंगे, लेकिन गर्मी इतनी है वहाँ पे और यहाँ पे, जब यहाँ पे इतनी है तो वहाँ पे तो कितनी होगी, बिकॉज वहाँ पे तो गर्म होता ही है। तो फिर हमने उस प्लान को थोड़ा सा चेंज कर दिया, हमने कहा चलो अभी किसी हिल स्टेशन पे चलते हैं। तो हिल स्टेशन पे जा रहे हैं और फिर उसका हम बाद में करेंगे प्लान, अपने बर्थडे मंथ पे करेंगे प्लान उसका। तो कैसा लग रहा है आपको शादी करके? सही। अनफॉर्चुनेटली हमारी कार नहीं आई जिसके डिलीवरी हम जल्दी मिलनी थी। ठीक है, एनीवे कोई बात नहीं, सब होगा, टाइम टू टाइम यार अभी हो जाना चाहिए था ना। कोई बात नहीं, क्या हो गया, बुलेट आ गई उसकी। हाँ ये वो नहीं आई तो क्या, वो बुलेट तो आई ना, न्यू बुलेट तो आई। तो ठीक है अभी हम निकल चुके हैं दिल्ली से, और ये पूरा ट्रिप ना हम कार पे ही करेंगे। सबसे एक्साइटिंग चीज़ है कि हम कार पे ही करेंगे, और शायद ही किसी ने इतने लंबे ट्रिप का ब्लॉग बनाया हो। सबसे ज़्यादा मेरे को जो वो है ना टेंशन, वो ना पहाड़ों की, क्योंकि मैंने भी मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस हो। चलो हाँ दिखाऊंगी। सबसे पहली डेस्टिनेशन साई जी, जिनकी वजह से मिले थे। तो हम आ गए हैं अभी नकोदर डेरा बाबा मुराद शाह जी साई जी की ब्लेसिंग्स लेने, क्योंकि हम शादी के बाद आए नहीं थे अभी तक, और हम आ जाएंगे कि अभी घर के कुछ रिच वगैरह चल रहे थे, आने का मन तो बहुत था पर हम लेट हो गए थे, आज हम आ गए हैं। अगली डेस्टिनेशन पे मिलते हैं शाम को। दर्शन डन। तो साई जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल गई हैं, और आज देखा हमने साई जी के दरबार में काफ़ी लिया है। हम बोलते थे हाजिरी लगी, हाजिरी लगी, आज लगवाई थी साई जी। बताएंगे कैसे लगी थी, कुछ छोटा सा वीडियो कुछ डालेंगे। तो यहाँ से हम दोनों की जर्नी शुरू हुई थी और यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं वापस। कैसा लग रहा है आपको? अभी हम शादी करके आए हैं और पहले हम शादी के लिए आए थे। हाँ तो बहुत अच्छे दर्शन हुए, बाकी चलते हैं अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। सो सेकंड डेस्टिनेशन अमृतसर, हम जा रहे हैं दर्शन करने, और अंदर कैमरा अलाउड नहीं होता तो इसलिए यहाँ पे हमें दिखा दो। हम आ गए हैं इसमें ये ऐसा एटमॉस्फेयर है यहाँ पे जैसा हॉस्टल में बच्चों को खाना खिलाते हैं ना, पर देखने में लगता है कि खाना अच्छा होगा, बाकी देखते हैं। सो बोलो, मैं नहीं बोलूंगी इस व्लॉग में। तो अभी हमारा अमृतसर के दर्शन भी हो गए, रेस्ट भी हो गया, खाना पीना भी हो गया, अभी हम कहाँ जा रहे हैं?
नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हमारी कटरा माता वैष्णो देवी। बुलावा आया है, माता ने बुलाया। चलो यही जय माता दी करने चले हैं हम। हाँ, नेक्स्ट डेस्टिनेशन माता वैष्णो देवी, फिर उसके बाद कश्मीर। यस, काफी लंबा वेकेशन है ये, लग रहा नहीं है मुझे हो पाएगा 10 दिन का भी, क्योंकि 2 ही दिन हुए हैं अभी और दो डेस्टिनेशन खत्म हो गई है। तो ये डेस्टिनेशन तो हमारी जल्दी वाली थी ना वैसे भी। अच्छा, राइट, दर्शन करके अब घूमने वाला। मुझे क्या पता आपने प्लान किया है, घूमने वाला प्लान है अभी। मैं तो गेस्ट हूँ, आप होस्ट हो। चलो फिर चलते हैं। चलो, ओके। अब यहाँ से ना थोड़े थोड़े मेरे को पहाड़ दिखने लगे हैं, ब्लरी ब्लरी से। तो मैं तो आज इस बार लाइफ में पहली बार पहाड़ देखूंगी। आप तो देखते रहते हो। yes. चलो घुसने वाले हैं हम पहाड़ों की उसमें। कंफ्यूजिंग है ना, देखा बंद करो, मेरे को पता ही नहीं लग रहा। तो अभी कश्मीर 1 घंटा दूर है, लेकिन जो ये ब्यूटी है ना, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, भाई इतनी सुंदर जगह, जन्नत, सच में वही जन्नत ही है, लोग भी जन्नत कहते हैं, सच में जन्नत ही। तो मैं पहुंच चुकी हूँ कटरा और थोड़ी देर बाद मैं शुरू करूँगी यात्रा। इस टाइम समय हो रहा है 10:53। अभी भवन से 1 किलोमीटर दूर है अभी हम लोग, और अभी थक भी चुके हैं और जल्दी से माता रानी के दर्शन करते हैं। सो हम दर्शन लेके आ गए हैं और थोड़ा थोड़ा थके थके लग रहे हैं हम लोग। सो जय माता दी, अब हम नीचे के लिए जाएंगे वापस। हमारे दर्शन हुए कंप्लीट, थैंक यू माता रानी फॉर एवरीथिंग, फॉर एवरी सिंगल मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस। उम्मीद नहीं थी मुझे कि मैं पैदल आऊँगी जाऊँगी, लेकिन जो माता रानी की मर्ज़ी होती है वही होता है। मैंने सोचा था कि जाएंगे बैटरी कार से या फिर हेलीकॉप्टर से, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आग लग गई वहाँ पे और कुछ भी नहीं मिला, तो पैदल गए और पैदल आए। अनएक्सपेक्टेड था बहुत ज़्यादा। अब हमने यहाँ से निकलना है कश्मीर के लिए, तो आगे का व्लॉग आपको मिलता रहेगा, कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। सो आवाज़
आफ्टर दर्शन हम जा रहे हैं कटरा से डायरेक्टली पटनी टॉप हम जा रहे हैं। बहुत जल्दी हो रही है, उससे क्या फर्क पड़ता है, तो शादी तो हो ही चुकी है ना। ओ भाई, तो हम जा रहे हैं पटनी टॉप, पहली बार जा रहे हैं। बात कर रही हूँ नॉर्मल, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत थकी हुई हूँ, बहुत लो साउंड कर रही हूँ, बहुत ओके है सब। तो अच्छे ट्रैवलर्स हैं हम लोग, कहने का मतलब ये है हम कर सकते हैं अच्छी 4-5 डेस्टिनेशन की जो ट्रैवलिंग है वो एक साथ कर सकते हैं। किया भी वो ही है हमने, पहले वहाँ गए, नकोदर गए, फिर अमृतसर गए, अमृतसर से फिर वैष्णो देवी आए, वैष्णो देवी से अभी पटनी टॉप जा रहे हैं, फिर उससे आगे जाएंगे कश्मीर। कहाँ जाए, क्या वहाँ कहाँ जाना है, हमने कश्मीर में गुलमार्ग। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है भाई, इतना ड्राइव करना और इतना अपने यू नो बॉडी के ऊपर सारे एटमोसफेयर चेंजेस वगैरह अडेप्ट करना। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे पटनी टॉप हिल्स में, और बाकी आज हम यहाँ पे रहेंगे, एक्सप्लोर करेंगे यहाँ की चीज़ों को, उसके बाद कल हम जाएंगे कश्मीर। आज जाएंगे नहीं, कल जाएंगे। क्यों? मैं तो नहीं जा रही। बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत सुंदर। लाइफ में सबको एक बार आना चाहिए, बहुत सुंदर जगह है। तो हम पहुंच चुके हैं बनिहाल, और टनल आएगी उसके बाद आएगा कश्मीर। ऐसा लगता है यहाँ पे आके जैसे हम पाकिस्तान में हैं, लेकिन सुंदरता तो मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है। यहाँ से व्यू ब्लॉक हो गया, अदरवाइज मैं दिखाती तो अभी दिखाऊंगी। बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल जगह है ये। तो थोड़ी ही देर बाद हम पहुँच जाएंगे कश्मीर डेस्टिनेशन, उसके बाद हम जाएंगे अनंतनाग। हाँ, उसके बाद हम जाएंगे गुलमर्ग, कुछ वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज भी करेंगे ना, झूला राइड या और भी चीजें हैं। तो ये है बनिहाल टनल, और ये टनल 11 किलोमीटर लंबी टनल है। ये हमें सीधा लेके जा रही है अनंतनाग लेके जाएगी ये हमको। बहुत लंबी टनल है, 11 किलोमीटर, तो बहुत ही सुंदर जर्नी है ये सच में। तो ये हम एंटर हुए कश्मीर यूनिट में, और मेरे लिए बड़ा स्पेशल है यहाँ पे आना, क्योंकि मेरी जो मम्मी है ना वो यहीं की है, तो इसीलिए वो बेचारी बड़ी एक्साइटेड थी, कश्मीर जा रही। उनको बड़ा अच्छा लगेगा देख के कि हम यहाँ पे हैं। बहुत ब्यूटीफुल, मेरी लाइफ की अब तक की सबसे ब्यूटीफुल जर्नी है। और ब्यूटीफुल बंदे के साथ। अच्छा बताओ, ये पंजाबी नंबर वो क्या हुआ, सरदार जी आ गए थे कब? अभी वो टैक्स के डीएल नंबर देख के। हाँ, खुश हो गए डीएल नंबर देख के। बात करो ना करो, हाँ, मगर डीएल नंबर देख के दिल खुश हो गया उनका, वो भी दिल्ली से ही थे। हेलो, डे 4 इन कश्मीर, और हम जा रहे हैं टकसुम और ये उकरनाग। और अभी हम अचबल में हैं। शमशाद भैया, इन्होंने हमारा बहुत ध्यान रखा है, फील ही नहीं होने दिया कि हम घर से दूर हैं। और ये आप लुक देखो जतिन का, दिखाना जरा। क्या बात है, पूरा फील लिया जा रहा है विंटर का।
और ये आपका नाम क्या है? शाहजेब। शाहजेब। और ये उस्मान। और वो हमारा सबसे आगे शाहजी मदद रख ले वीडियो रफ टफ बॉय शाहजेब। हम सब जा रहे हैं और लास्ट डे जो हमारा रहा बहुत ही मज़ेदार रहा। भैया ने बहुत अच्छे तरीके से ट्रेडिशनल तरीके से हमें डिनर कराया, दस्तरखान लगा के और पूरा वो कॉपर के उसमें डिनर कराया हमको। बाकी अब हम और भी एक्सप्लोर करेंगे कश्मीर को, तो मिलते हैं आप लोगों से। बाय कर दो। कहाँ पे हम? दक्षम। हाँ वो व्यू देखा हो ना, अल्टीमेट। तो अब जहाँ पे हम जा रहे हैं ना वो इससे टॉप वाली जगह है, वहाँ पे नेटवर्क नहीं आएंगे, तो अभी नो स्नैप्स नहीं। उसका जो भाई है ना वो इनका जीजा लगता है। हम हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं भैया इसको, सिंथन टॉप। सिंथन टॉप पे ये हम बैठे हैं इसके अंदर। हाँ बहुत ठंडा है, ऑक्सीजन लेवल ही नहीं है, ऑक्सीजन ही नहीं है। और भैया देखो बच्चों को देखो, अभी जाएंगे बाहर, बाहर खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मेरी तो नोज रेड हो गई। तो अभी यहाँ पे ये यहाँ पे रेस्टोरेंट तो है नहीं, तो टेंट काइंड ऑफ बना हुआ है रेस्ट के लिए। तो बाकी दिखाते हैं आप बाहर जाके। भाई बहुत ठंड है, मतलब सरवाइव नहीं कर सकते इतनी ठंड है। हम तो नहीं कर सकते। स्नोफॉल, वैसे कोई चांस नहीं था कि यहाँ पे होगा स्नोफॉल, पर हो गया। दिखाओ जी स्नोफॉल होती थी, हमारी जैकेट पे दिख रही है ब्लैक जैकेट होती है। ये देखो स्नोफॉल। और ये
मेरे को लग रही है बहुत ठंड, और ये लड़की को पता नहीं वैसे बहुत ठंड लगती है, अब बर्फ में पूरा चले जा रही है मस्ती से। हाँ हाँ जैकेट जो पहनी हुई है। हाँ, और क्या फेरन फेरन, और मैं हूँ हाफ स्लीव की टी शर्ट में। रमन एक मेरा फ्रेंड है, रमन उसको नहीं छोड़ूंगा मैं, कुछ भी हो जाए रमन को नहीं छोड़ूंगा मैं। उस बंदे ने मुझे बोला कश्मीर में ठंडी नहीं है, पागल है। अल्टीमेट अल्टीमेट एक्सपीरियंस। देखो क्या ले रखा मैंने, देख लो चादर चादर। तो भाइयों इस कॉन्सेप्ट में मतलब मम्मी ठंड नहीं पड़ती। मम्मी मैं सबसे ज्यादा मम्मी को मिस कर रही हूँ। मेरी मम्मी यहीं की है, और उन्होंने मेरे को बोल के भेजा था कि लाइफ टाइम, अच्छा यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम है। और इस कॉन्सेप्ट में कोई मत रहे ना कि मई जून में यहाँ पे गर्मी होगी, बिल्कुल भी नहीं है। बर्फ पड़ रही है यहाँ पे अभी अभी, ऐसा ही रहता है। ये कौन सी जगह है? ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है। दिस इज वो क्या बोलते हैं, टॉप करके कुछ। हाँ सिंथन टॉप। हाँ तो भाई बहुत मुश्किल है, बहुत ठंड है। ये कार वाली मुझे भी करनी थी ऊपर, ये राइडिंग, बट अनफॉर्चुनेटली जतिन इज नॉट फीलिंग बिट सेफ। मजा बहुत है, मजा बहुत है। ये न्यूली वेड के लिए रिवाज, ये कश्मीरी रिवाज। जी जी शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बढ़िया। चॉकलेट तो मेरे पास आई, ये मेरी है। फिर अभी हम आ गए हैं शिकारा राइड डल लेक। अभी हम जा रहे हैं अपने हाउस बोट में, कुछ चेंज करना है इनको पहले जा कर के, अभी उसके बाद हम आगे जाएंगे राइड पे। ये है डल लेक। हाउस बोट में, और हम यहाँ पर स्टे करेंगे आज रात के लिए। पहले हम लोगों का प्लान था कि हम यहाँ पर 2 दिन के लिए स्टे करेंगे, और 2 दिन पानी में बोर हो जाते, और भी बहुत सारी खूबसूरत जगह है यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। तो आज हम अभी जा रहे हैं घूमने शिकारा पे, और फिर हम आज का डे यहाँ पे स्पेंड करेंगे। आज गर्मी भी ज़्यादा है यहाँ पे। हाँ गर्मी ज़्यादा है, और कल तो इतनी ठंड थी कि मैं सर्दी के कपड़े पहन के आई थी, और अब मैंने अपना गॉड सेंट निकाल ही दिया। तो वाला तो दिखा, ऑल सेट फॉर टुडे। और ये 24/7 चलता रहता है यहाँ पे, आप आ सकते हैं शॉपिंग करने के लिए।
और अभी बज रहे हैं रात के 9:30। यहाँ पर डिनर टाइम हो चुका है, लेकिन जतिन बिजी है फोटोग्राफी में। तो ये है यहाँ का सुंदर नज़ारा फ्रॉम डल लेक हाउस बोट। ये मैं फेरन लेके आई थी यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस, और मैंने मिनीसो से शॉपिंग की, तो मैंने ये इयर रिंग्स लिए, एक न्यू लिप शेड लिया। हम मॉल गए थे, तो ये है यहाँ का व्यू। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो नेक्स्ट डे, कल का दिन बहुत ही अच्छा रहा इन हाउस बोट शिकारा, और अब हम जा रहे हैं गुलमर्ग। हम जा रहे हैं गुलमर्ग और अभी हम रास्ते में हैं। हाँ, हवा ठंडी होने शुरू हो गई है अभी। जब हम गुलमर्ग के रास्ते में हैं ना, तो ठंडी हवा वगैरह झरोके आने शुरू हो गए हैं। तो लेट्स सी। ये अच्छा है, रे बना के ऑल टाइम फेवरेट है राशन। ये चश्मा आपने कहाँ से लिया है? अचानक से, किसके कहने पर मैं जो बोलती हूँ वो अच्छा ही निकलता है हमेशा। यस, ये तो है ना। यस, सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं गुलमर्ग और हम जा रहे हैं गंडोला राइड के लिए। ये देखो कश्मीरी लड़का सेकरी, और ये कश्मीरी लड़की। और ये पहनने का ना सबसे बड़ा एडवांटेज है कि यहाँ के लोग आपको बेवकूफ़ कम समझते हैं। अभी भी लगता, थोड़ा एक्सेंट से पता चल जाता है उनको, लेकिन दूर से बंदा बेवकूफ़ नहीं समझेगा आपको देख के। हमें बेवकूफ़ नहीं समझ रहे आजकल। तो चलते हैं, हम रेफरेंस से आए हैं, तो हम जा रहे हैं जिनसे हमें मिलना है उनके पास। ये सेकरी नॉर्मल लोगों की लाइन को तोड़ते हुए, शमशाद भैया थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए, हमें लाइन में भी नहीं लगना पड़ा। और ये हम जा रहे हैं गंडोला राइड के लिए। दिखाओ ना गंडोला। रेड में जाने का मन था, रेडी मिली है। मुझे दिखा रही हो? ये तो बाहर दिखाओ ना व्यू। क्यों डरी बड़ी हो? हाँ, कोई है ही नहीं, ड्राइवर ही नहीं है कोई। इधर बैठो मैं भी, इधर सर कहीं झुक तो नहीं जाएगी। सो कैसी चल रही है गंडोला राइड? हाँ, हम उतर गए हैं गंडोला राइड से, जा रहे हैं नीचे। पता नहीं क्या है, जहाँ भी हम जाते हैं वहीं स्नोफॉल हो जाता है। अभी यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है। ये सब भाग गए, वो अकेली खड़ी। हेलो फ्रेंड्स, तो हम आ चुके हैं वापस राइड से। अच्छा, यहाँ पे ना बहुत आजकल पता है ये चीज़ हो रही है कि मैं जब भी शॉप पे जाती हूँ, लोकल शॉप पे, तो यहाँ पे ना मुझसे कश्मीरी में लोग बात करने लगते हैं। तो मैं फिर आंसर तो नहीं करती हूँ, बिकॉज मेरी मम्मी कश्मीरी है, तो मेरी मम्मी ने सिर्फ मुझे वारे खोशपोट सिखाया है, दैट मीन्स हाउ आर यू ग्रीटिंग समबडी। तो मेरे को आता तो नहीं है, तो मैं जवाब नहीं देती, फिर मैं उनको बोलती हूँ हिंदी हिंदी, फिर उनको समझ में आता है।
फिर इसको कश्मीरी नहीं आती, हिंदी आती है। तो फिर वो अभी हम गए थे तो वहाँ पे एग्जीबिशन में वो लड़की ने बोला कश्मीरी में कुछ, तो मैंने कहा हिंदी, तो फिर उसने मुझे बोला कि अच्छा तुम हिंदी में बात करते हो, मैं तुम्हें देख के सोची कि तुम कश्मीरी हो यहीं के हो। तो गॉड ग्रेस, गॉड ग्रेस, तो लगते हैं। चलिए अब वापसी का समय है, मौसम यहाँ पे बहुत ख़राब है। हम 14,000 फीट ऊपर गए थे गंडोला में, चलते हैं अब वापस घर की तरफ। ਉੱਚੀ ਵਾਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਉੱਤੇ ਛੱਪੀ ਪਈਆਂ ਜੱਟ ਦੇ ਲਾਟ ਵਰੀ ਕੀ ਤੂੰ ਨਾਲ ਜੱਜੀ ਪਈਆਂ ਜੱਟ ਦੇ ਲਾੜ ਨਾਲ ਰੱਖੂ ਆਪ ਤੋਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਉਠਾਉਂਗਾ ਯਾਰ ਭਾਈ ਆਈ 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 ਕਿਆ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਕਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੈਗੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ मैंने कहा थोड़ा सा मैं व्लॉग ले लेती हूँ। कश्मीरी कहवा। हेलो दोस्तों, डे 11 और आज हम निकल आए हैं कश्मीर से, बिकॉज थोड़ा सा पॉलिटिकल इशू वहाँ पर स्टार्ट हो गया था, और अगर कोई भी इशू होता है ना तो वहाँ पर रास्ते बंद कर दिए जाते हैं और सब कुछ ब्लॉक कर दिया जाता है, तो इसलिए हमारा वहाँ से आना बहुत ज़रूरी था। तो अभी हम पहुँच चुके हैं पठानकोट, और हम लगातार, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे चेहरे से ही लग रहा होगा, तो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है बिकॉज मैं यूज टू नहीं हूँ हिली एरियाज़ में ट्रैवल करने की। अभी हम लोग पहुँचे हैं पठानकोट, जैसा कि बताया मैंने, तो नेट 2 बजे हम कश्मीर इस्लामाबाद से निकल चुके थे, और बहुत प्यार मिला, मतलब इतना प्यार मिला ना गाइस वहाँ पे, इतना ज़्यादा अपनापन मिला ना वहाँ के लोगों से। अभी तक हम जब यहाँ पे पहुँचे हैं ना तो सबके कॉल्स आ रहे हैं कि आप लोग सेफली पहुँच गए, आप कहाँ पहुँचे, कहाँ नहीं पहुँचे। हेलो, तो अभी हमारा ये प्लान है कि हम यहाँ पर रुकेंगे, कल हमको यहाँ पे कुछ काम है पेंडिंग, उसके बाद हम दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं। तो मिलते हैं आगे की जर्नी में आपसे, और यस सब, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अभी ठीक हो? चलो फिर दिल्ली चल रहे हैं हम सारे। सीधा दिल्ली जा रहे हो? नहीं नहीं, पहले हम साई जी के पास जा रहे हैं। हाँ, आज बाल ज्यादा दोबारा खड़े हो गए हैं, और कोई कमेंट करे ना करे मेरी फैमिली में लोग सब करने वाले हैं, तो मैं रेडियो सुनने के लिए सबके कमेंट्स। और अभी हम जाएंगे मंडाली शरीफ, साई जी से मिलेंगे, देन उसके बाद बैक टू दिल्ली एंड बैक टू वर्क। गोल्डन ब्रिज दोबारा से कल सुबह से खुलेगा, और दोबारा से गाड़ी भेजेंगे। तो आप भी बता दो कुछ। मैं भी काम पे जा रही हूँ अब 2-1 दिन में, क्योंकि बहुत छुट्टियाँ हमने ले ली हैं, और मेरा 30 तारीख का प्रोग्राम है 30th का इसी मंथ, तो फरीदाबाद सेक्टर 16, और उसके बाद हम अपनी जो वर्क लाइफ है उसको थोड़ा सा हम नॉर्मल नहीं, मैं तो एक्स्ट्रा काम कर। हाँ, किसने बोला आने के लिए दोबारा? साई जी ने।